बिजनौर कीरतपुर भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा नंबर 58 के निर्माण कार्य को पूरा करने से पूर्वी मंगलवार सुबह 8 बजे से टोल वसूलने का फरमान जारी कर दिया, जिसका पता लगते ही भारतीय किसान यूनियन टिकैत के मंडल अध्यक्ष बाबूराम तोमर, तहसील अध्यक्ष देवदत्त शर्मा, युवा ब्लॉक अध्यक्ष नजीबाबाद अभिषेक चंद, ज्ञान मुखी युवा जिला महासचिव अंकित चौधरी, मंडल प्रवक्ता आदिल जैदी, जिला सचिव मुन्ना टाइगर के नेतृत्व में दर्जनों कार्यकर्ता सोमवार की शाम ही टोल पर पहुंचे और सड़क निर्माण पूर्ण होने से पहले ही टोल ना चलने देने की घोषणा कर दी। भाकियू की घोषणा पर भी टोल कर्मचारियों ने हल्के में लेते हुए सुबह टोल वसूलने की तैयारी जैसे ही शुरू की, भाकियू ने अपनी घोषणा के अनुसार 8 बजे से टोल पर धरना शुरू कर दिया। धरने की सूचना मिलने के बाद राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन के जिलाध्यक्ष बिट्टू चौधरी सहित भारतीय संग्राम भाग की अन्नदाता आदिल संगठन ने भारतीय किसान यूनियन टिकैत के धरने को समर्थन देते हुए टोल पर आकर संयुक्त धरना देना शुरू कर दिया, जिसकी सूचना मिलते ही एनएचयूआई के अधिकारियों के कान खड़े हो गए और एनएचयूआई के अधिकारी मौके पर पहुंचे और किसान नेताओं को समझाने का प्रयास किया। दो पुल नहीं बने अभी, शकरपुरी के सामने वाला पुल है वो बिल्कुल अधूरा है जी। उससे आगे पाडला अकबराबाद का पुल है छितावर गांव के सामने, वो अधूरा है और ये टोल लेना शुरू करना चाह रहे हैं। भनेड़े से इधर 10 किलोमीटर पर रोड खत्म है और भनेड़े से उधर 18 किलोमीटर रोड खत्म है। कायदा कानून ये है कि आप जो है 50 किलोमीटर रोड कम से कम इधर बनाए, 50 किलोमीटर उधर बनाए, टोल वसूल कोई दिक्कत नहीं है। और हम तो समाज के लिए लड़ रहे हैं, किसान यूनियन वाले हैं, हमारा तो ये टोल वैसे भी फ्री रहता है, हमारा कोई मतलब नहीं है। ये कह रहे हैं लोकल के कार्ड बनाएंगे, कहीं अभी कोई प्रक्रिया शुरू नहीं हुई, जब तक सारी प्रक्रिया पूरी नहीं होगी टोल पर धरना रहेगा, इनका टोल वसूली का कार्यक्रम नहीं चलने देंगे। इनकी लूट अगर चलती है तो इनका लट सा जवाब दिया जाएगा, इन्हें भगा दिया जाएगा। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।